स्टूडेंट्स अपना वर्क आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी वर्कबुक वर्क करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। चैप्टर हमारा चल रहा है 4, तो चैप्टर 4 है। इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे, आज 3rd क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल WXYZ इन विच WX साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एंगल W 100 डिग्री है, एंगल X 125 डिग्री है और एंगल Z 50 डिग्री है एंड ZW इज 5 सेंटीमीटर। हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल, तो हमने सिंपली कंस्ट्रक्शन करना क्वाड्रिलेटरल का। तो हम क्या करते हैं, बस हम एक सिंपल सी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और इसको नाम देना क्या है, इसको देना है नाम WXYZ। तो WXYZ ठीक है। अब इसमें इन्होंने दिया है WX दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ले लो। उसके बाद में एंगल W, ये वाला एंगल W ये दे रखा है इन्होंने 100 डिग्री दे रखा है। उसके बाद एंगल X, ये वाला X हो जाएगा 125 डिग्री। और एंगल जेड है 50 डिग्री। और जेड डब्लू ये वाली साइड है ZW, ठीक है। ये ZW जो साइड है ZW ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यानी आपको ये हर एक क्वेश्चन में ये जरूर समझना है कि 4-5 एलिमेंट्स हैं कि नहीं, 3 एंगल्स दिए हैं और 2 साइड्स दी हैं, तो आपका जो कंडीशन है रिक्वायर्ड कि 5 एलिमेंट्स शुड बी गिवन वो पूरा हो रहा है। अब हम इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम WX खींचेंगे, ठीक है। तो WX सपोज हमने खींची 4 सेंटीमीटर की एक, ठीक है। आप पेंसिल और स्केल से करेंगे तो आप ज़्यादा सही से कर पाएंगे। 4 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन खींच दी 4 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर मुझे 125 का एंगल बनाना है, यहाँ पर 125 का एंगल बनाएंगे। 120 का 5 का एंगल तो आप उसी से बना देना प्रोटेक्टर से, ठीक है। यहाँ पर 125 का एंगल जो है प्रोटेक्टर से बना देना आप, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। ये वाला होगा 125 डिग्री का, ये प्रोटेक्टर से बना दीजिए आप। उसके बाद यहाँ दूसरी साइड से ये वाली है X, ये साइड है X और ये है W। आपको क्या करना है, ये एंगल 100 का बनाना है। तो 100 का एंगल जो है वो कैसे बनाएंगे, ये भी आप, ये एंगल लगभग ऐसा बनेगा 100। तो आपको ये वाला 125 का जो एंगल है ये प्रोटेक्टर से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से 100 का भी, जब आप 100 का बनाओगे तो भी आप क्या करोगे, यूज़ योर कंपास एंड यूज़ योर प्रोटेक्टर टू मेक दिस एंगल, ठीक है। और 100 का ये हो गया, 125 का ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर इसमें यहाँ से आप पेंसिल और कंपास की हेल्प से स्केल पर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे यहाँ से। तो इसे थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लगभग इतना हो रहा है, तो ये थोड़ा और हो जाएगा। अब यहाँ से मैं स्केल पर लूँगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ आर्क लगानी है, ठीक है। यहाँ हम आर्क लगा देंगे, ठीक है, यहाँ आर्क लगाएंगे। और यहाँ से जो हमें एंगल बनाना है वो 50 का बनाना है। 50 का मतलब होता है, वैसे तो लगभग इतना हमारा हो जाता है 60, लेकिन और थोड़ा झुकाना है इसको, और थोड़ा झुकाना है। और हमें ये पता है कि ये वाला साइड हमें बिल्कुल नहीं मालूम कितना है, ठीक है, ये साइड कितना है हमें नहीं मालूम। बस हमें क्या करना है, यहाँ से लगभग 50 का एंगल बनाना है, 50 का ऐसे करके। ये कितने का एंगल बन रहा है, 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री का अगर मैं इधर से एंगल बनाऊंगा इस साइड से, तो लगभग इतना ऐसे ही बनेगा, ठीक है। 50 का है वो मैंने यहाँ मिला दिया। अब जब इस तरह का एंगल फिगर बन जाएगी तो इसको आप ख़त्म कर देंगे इरेजर से, ठीक है। यहाँ तो पेन से मैं बना रहा हूँ तो इसलिए, लेकिन इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ 50 का एंगल देने के बाद आपको ये नहीं पता इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। सिंपली आप इनको आगे बढ़ाते जाओगे, जहाँ पर ये मिल जाएंगी बस वही एंड हो जाएगा, और वो हो जाएगा WX, ये हो जाएगा Y
और ये हो जाएगा जेड, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, फिर से बता देता हूँ मैं, डब्ल्यू एक्स एक बेस लाइन खींचो, यहाँ पर 125 डिग्री का एंगल खींचो, क्योंकि ये 125 डिग्री का एंगल हम ज्योमेट्रिकली जो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास नहीं बना सकते, तो इसको प्रोटेक्टर से बनाइए। 100 का भी आपको प्रोटेक्टर से ही बनाना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें जो ये वाली साइड है ये 5 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो पता ही है आपको कैसे करते हैं, कंपास में 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर आग लगा देंगे 5 सेंटीमीटर कंपास में लेकर यहाँ आग लगा देंगे, तो जहाँ पर आग काटेगी वहाँ पर जेड पॉइंट होगा, और जेड पॉइंट से 50 डिग्री पर लाइन सीधी आगे बढ़ाते जाएंगे, एक्स वाई को जहाँ पर वो काटेगी वहीं वाई पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। एक चीज़ आप देखो कि ये वाला क्वेश्चन और नीचे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाली कंस्ट्रक्शन भी इसी तरह से होती है, फिगर में भी डिफरेंट क्योंकि मेजरमेंट डिफरेंट है, लेकिन होना ये भी ऐसे ही है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है और सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है, ठीक है। इन सब में केवल मेजरमेंट्स बदलेंगी, लेकिन यही तरीका रहेगा। आपको इसी तरह से दो साइड्स दे रखी हैं और बाकी एंगल्स दे रखे हैं, आपको करना है। सेवन्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो इसलिए हम सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं, हम सेवन्थ करेंगे, ठीक है। सेवन्थ में क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेवन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इज 2.7 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.5 सेंटीमीटर, आर एस इज 4 सेंटीमीटर, पी एस इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, पी क्यू आर एस के लिए एक सिंपल स्केच बनाओ, पहले एक सिंपल बनाओ, एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बना दो। इस शेप का को बनाने का कोई इसका मेजरमेंट, मतलब इसका मेजरमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी मालूम पड़ेगा इसका शेप क्या, शेप क्या है। लेकिन अभी हमें फिलहाल क्या करना है, एक रफली बनाना है। तो पी क्यू आर एस, अब जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको देखो आप, पी क्यू इज 2.7 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 2.7 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये 2.7 सेंटीमीटर होगी, 2.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, क्यू आर इज 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज आर एस, आर एस इज 4 सेंटीमीटर, आर एस इज 4 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट साइड पी एस, पी एस, पी एस इज दिस, पी एस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल क्यू दे रखा है, एंगल क्यू 90 डिग्री। अब आपको इसे कंस्ट्रक्ट करना है, आप समझ रहे होंगे, इसमें इन्होंने पी क्यू, क्यू आर और आर एस और पी एस, ये चारों साइड्स की लेंथ दे रखी, मेजरमेंट दे रखी है, और उसके अलावा एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री का। इसका मतलब है यहाँ पर वो 5 एलिमेंट मौजूद हैं। हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पी क्यू खींचेंगे, यहाँ पर पी क्यू, पी क्यू 2.7 सेंटीमीटर की हम खींचेंगे, पी क्यू 2.7 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक 7 तक आपको मुझे बना के भेजने हैं। आज भी किसी ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का होम असाइनमेंट बिल्कुल नहीं भेजा है, तो ये बहुत, ये क्या चक्कर है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहीं अटकते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, या मुझे ये चीज़ दोबारा समझनी है। मगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, और दूसरा ये कि मैं सोचता हूँ कि अगर आ गए हैं तो फिर होमवर्क भेज दो ना, उसमें से एक काम कर सकते हैं ना, समझ में आ गया तो होमवर्क भेज दो, नहीं समझ में आ गया तो क्वेरीज भेज दो कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस तरह से करनी है, ठीक है। और मैं तो जो वीडियो बनाता हूँ उसको बहुत ही इजी रख करता हूँ, ऐसा ये कॉपी पे बनाने से क्या होता है कि आपको ऐसा फील नहीं होता कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे हम घर में किसी को एक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जैसे समझ लो कि मैं आपके बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ हूँ और कॉपी पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें और मेरे वीडियो में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि आप मुझे फील करोगे कि हाँ मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ।
तो बस हम ये हैं कि स्क्रीन के इस तरफ और उस तरफ हैं, बाकी तो बिल्कुल कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको उसी तरह से फील हो, आप उसी तरह से महसूस कर पाओ कि कैसे बनाना है, ठीक है। बस रही बात क्वेरीज़ की, तो क्वेरीज़ जो हैं वो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ठीक है। आप बेझिझक होके कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है पूछिए, ठीक है। उसके अलावा अगर पूरी तरह से क्लियर हो रहा है तो आपको फिर तो भेज देना चाहिए, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है। मैंने कई बच्चों से कॉल करके बात करी तो उनका कहना ये था कि अरे सर हम तो सारा कोर्स करके बैठे हैं। मैंने कहा होम असाइनमेंट क्यों नहीं भेज रहे हो, होमवर्क क्यों नहीं भेज रहे हो, कि सर भेज देंगे तो आपको क्या डर लग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप सारे लोग होम असाइनमेंट भेजिए, गलत सही होगा वो हम करेक्ट करा देंगे, कोई दिक्कत होगी बता तो देंगे कम से कम कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे, वरना आप तो करके आराम से बैठ गए कि ठीक है हमने तो पूरा कर लिया, बात खत्म होगी, ठीक है। तो थोड़ा उस पर सोचो, और पर डे होम असाइनमेंट सभी का आए, ठीक है। और अगर जिनको समस्याएं हो रही हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो भी अपनी मुझे, जब तक आप मुझे सारी चीज़ें बताओगे नहीं, फिर मैं उसके बदले में कुछ एक्शन कैसे ले पाऊँगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपके पास PQ मैंने 2.7 सेंटीमीटर की यहाँ पर खींच दी है। उसके बाद मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना है, तो आप 90 डिग्री का एंगल तो आराम से बना सकते हो। यहाँ से पहले एक आर्क लगाओगे, यहाँ से एक आर्क लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी डिस्टेंस लेके, ये जो आर्क लगाते हैं कोई भी डिस्टेंस लेके लगा देते हैं, और विद द सेम डिस्टेंस पहले एक क्रॉस यहाँ लगाओगे, फिर एक क्रॉस यहाँ लगाओगे, ठीक है। ये वाला क्रॉस होता है जहाँ पे काट रहा, अगर यहाँ मिला दोगे तो ये 60 का एंगल बन जाएगा, और इस पर बन जाएगा 120 का, ठीक है, इस पर बन जाएगा 120 का, लेकिन मुझे इनके बीच में 90 डिग्री का चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस इसकी है उससे उसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम पेंसिल के अंदर, पेंसिल और कंपास में ले लेते हैं, और उसके बाद एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से। तो एक आर्क यहाँ से लगाओगे तो ये इधर लग गई, और एक आर्क यहाँ से लगाओगे तो ये इधर लग गई, ठीक है। ये किससे लगानी है, पेंसिल और कंपास से रख के आप ऐसे आर्क लगा दो, जहाँ आर्क काटेगी वहीं मिलाना है, ठीक है। और ये कितना है, ये कितना है नंबर, 3.5, तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, और इसको कर दीजिए 3.5 है ना, 5.5 है क्या, 3.5 का मतलब है कि ऑलमोस्ट इससे थोड़ा बड़ा होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा लगभग। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, कौन सा आर पॉइंट हो गया, और ये वाली डिस्टेंस हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये वाला जो ये साइड है वो 6 सेंटीमीटर का है, और ये वाला साइड ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर का है। तो आप जब यहाँ से आर्क लगाओगे तो ये आर्क काफ़ी बड़ी लगेगी, क्योंकि ये है 3.5, तो आर्क जो है वो काफ़ी बड़ी होगी। लेकिन दूसरा वाला क्या है, दूसरा 4 है, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.7 है, तो लगभग इसका आर्क यहाँ तो लगेगा कम से कम, और इसी आर्क, इस वाले आर्क को लगाओगे तो ऐसे लग जाएगा, और यानी यहाँ से लगाया 6 का और यहाँ से लगाया 4 का, और हमने इसको मिला दिया, ये मिला दिया यहाँ पे, और ये मिला दिया, यहाँ से 6 का लगाया था, यहाँ से 6 का आर्क लगाया था, यहाँ से 4 का लगा दिया, तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 6 सेंटीमीटर ये हो गया। पूछता कि थोड़ी बहुत और फिगर अलग हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी होगी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमारा PQR और ये वाला S हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट लाइंस को करने पे क्या होता है, यहाँ से 6 का लगाओ, यहाँ से 4 का लगाओ, ठीक है। तो लगभग ऐसे ही स्केच आपको मिल जाएगा, जो एंगल्स पॉसिबल होते हैं कंपास और प्रोटेक्टर, कंपास और पेंसिल से, वो हम कंपास और पेंसिल से बना देते हैं, और जो नहीं पॉसिबल होते हैं उनको हम प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसका एक रफ स्केच बना के, और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और ये जो कंस्ट्रक्शन है वो 7th चैप्टर तक अब आप मुझे करके भेजेंगे। इसमें कुछ इफ एंड बट ना हो, और सभी का असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, सभी का असाइनमेंट चाहिए।